यू वांट टू आस्क कि प्यार क्या होता है ना, ये पूछ रहे हो ना। दोस्त नहीं हो सकते, वीडियो नहीं बना सकते, सब बनाते हैं। सो गाइस आप लोग वीडियो तो देख लेते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, भाई एक ही सेकंड लगेगा, जल्दी से कर लो। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक विद द न्यू वीडियो। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एलवी यादव और उनकी एक्स गर्लफ्रेंड कीर्ति मेहरा के बारे में। सो गाइस जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगी, एलवी यादव और कीर्ति मेहरा के ब्रेकअप को काफी लंबा टाइम हो चुका है लेकिन अभी भी काफी सारे लोग एलवी यादव से उनके रिलेशनशिप को लेकर सवाल पूछते ही रहते हैं। सो गाइस जब एलवी यादव कुछ दिन पहले अपने गेमिंग चैनल पर लाइव स्ट्रीम कर रहे थे तो वहां पर किसी बंदे ने उन्हें सुपर चैट करते हुए कहा कि आप रिलेशनशिप के बारे में क्या कहना चाहोगे। सो गाइस जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगी, एलवी यादव सिर्फ कीर्ति मेहरा के साथ ही रिलेशन में थे, तो उन्होंने रिलेशनशिप के ऊपर क्या कहा है अपने लाइव स्ट्रीम में, आप खुद सुन लो। यू वांट टू आस्क कि प्यार क्या होता है ना, ये पूछ रहे हो ना। पर कटारे अभी है नहीं तो मैं ही जवाब दे पाऊंगा इसका। भाई देखो, प्यार ना, मैं बताता हूं क्या होता है। प्यार ना एक ऐसी चीज है जो सही आदमी से हो जाए तो तुम्हारा पार हो जाता है सिस्टम, और गलत आदमी से हो जाए तो तुम बर्बाद हो जाते हो मेंटली, ये होता है। अब वो देख लो तुम उसको कैसे डिफाइन करोगे, समझ गए ना। तो सही गलत आपके हाथों में। कई लोग होते हैं ना, सहते रहते ये करता हूँ, समझ रहे हो ना, ऐसे होता है। कई लोग इकट्ठे रहते हैं, साथ में रहते हैं, मान लो शादीशुदा भी ना भी हो, छोड़ो मेरे मुंह से कुछ निकल जाएगी। तो गाइस आप लोग एलविश और कीर्ति के बारे में क्या कहना चाहते हो, क्या आप इनको फ्यूचर में साथ में देखना चाहते हो या नहीं, नीचे कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट अपडेट के बारे में। अब हम बात करने वाले कीर्ति मेहरा के बारे में। सो गाइस जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगी, जब एलविश यादव और कीर्ति मेहरा साथ में रिलेशनशिप में थे तो साथ में काफी सारे व्लॉग्स और वीडियोस बनाया करते थे। एंड गाइस एलविश यादव अपनी सभी स्टोरी वाली वीडियोस लगभग कीर्ति मेहरा के साथ ही बनाया करते थे। बट गाइस जब से इन दोनों का ब्रेकअप हुआ है साथ में कोई भी वीडियोस नहीं आ रही है, बट अभी भी ऑडियंस इन दोनों को साथ में देखना चाहती है, इसीलिए इन दोनों की ऑडियंस एक दूसरे की वीडियोस और फोटोज के नीचे कमेंट करते ही रहते हैं। तो गाइस यहाँ पर कीर्ति मेहरा ने अपने फेसबुक पेज के लिए एक स्टोरी वाली वीडियो को एक क्लिप शेयर किया था। एंड गाइस उस वीडियो क्लिप के अंदर कीर्ति मेहरा के साथ उनका कोई फ्रेंड रोल प्ले कर रहा था, जिसके बाद एलवी यादव की ऑडियंस काफी ज्यादा भड़क जाती है। एंड गाइस उसके बाद एलवी यादव की ऑडियंस गुस्से में आकर उनके कमेंट सेक्शन में गालियां भर देती है। एंड गाइस कीर्ति मेहरा एलवी यादव की ऑडियंस से रिक्वेस्ट करते हुए क्या रिएक्ट करती है, आप खुद देख लो। तो खाने का इतना स्वाद आए, तो धोखे खाने में स्वाद आने लगे। दीपांशु ने तो एक वीडियो बना दी मेरे साथ, उस पे दीपांशु को इतनी गालियां मिल चुकी हैं। नहीं, बढ़िया है, अच्छी बात है, लोग फूकते हैं, गालियां भी मिल रही है, लेकिन प्यार जो मतलब सपोर्ट करते हैं ना, जो फैंस हैं इनके, वो बहुत प्यार दे रहे हैं, बहुत प्यार से मतलब रिस्पेक्ट भी दे रहे हैं, कह रहे हैं कि आप टेंशन मत लो, गालियां भी जी लगा के लिख रहे, कह रहे हैं आप टेंशन मत लो, आप बहुत अच्छे हो, ये वो है, पता नहीं क्या क्या, बढ़िया मतलब एक वीडियो नहीं बना सकते ऐसे किसी के भी साथ ऐसे, ये कौन सा तरीका है। अब यहाँ पे डिप लगेगा, गलत बात है, अब यहाँ पे डिप लगेगा दोस्त, डिप लगेगा सीन की। दोस्त नहीं हो सकते, वीडियो नहीं बना सकते, सब बनाते हैं, मैं नहीं बना सकती ऐसा। अरे ये सोच का फर्क है लोगों की, कुछ गलत था उसमें, नहीं था गाइस, दिस इज नॉट फेयर, मतलब दीपांशु के साथ फेयर नहीं है, अब बिना बात के उसको ऐसे अच्छा नहीं लगता। सो गाइस कीर्ति मेहरा का किसी और के साथ वीडियोस बनाना सही है या गलत है, नीचे अपने ओपिनियन कमेंट करके जरूर बताना। एंड गाइस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज बिल्कुल ना भूलें।